भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के 149वें स्थापना दिवस पर आयोजित है तैयार हम सभा का समापन दिघोरी नाका स्थित भारत छोड़ो मैदान पर संपन्न हुआ। इस समय कांग्रेस नेता राहुल गांधी एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। कांग्रेस स्थापना दिवस के 149वें स्थापना दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम कांग्रेस ने ध्वजारोहण कर सलामी दी गई। इस वक्त राहुल गांधी समेत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार आदि मुख्य कांग्रेस नेता ध्वज मैदान पर उपस्थित थे। गौरतलब है कि कांग्रेस द्वारा 138 वर्ष पूर्ति के अवसर पर डोनेट फॉर बेहतर भारत अभियान के तहत QR कोड के जरिए 138 की संख्या में धनराशि दान करने का प्रतिपादन किया गया, जहां 3 दानियों को लकी ड्रॉ के माध्यम से राहुल गांधी के हाथों प्रमाण पत्र दिया गया, जहां अयोध्या नगर निवासी पूजा देशमुख काउंटी के प्रमोद खोबराकड़े और रेखा बाराहाते को राहुल गांधी के हाथों प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस सभा में संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यह मात्र सियासी लड़ाई नहीं तो विचारों की विचारधारा है। साथ ही साथ उन्होंने इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और संघ पर तंज कसते हुए कहा कि आज देश का वाइस चांसलर मेरे सर पर नहीं तो किसी संगठन के बूते पर बन रहा है। आगे उन्होंने कहा कि दलितों को छुआ नहीं जाता था, ऐसी संघ की विचारधारा है, आज उसी विचारधारा के तरफ देश को ले जाया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने मीडिया सरकार के प्रेशर में होने की बात भी कही। हम देश की जनता को देश की शक्ति देना चाहते हैं, देश की जनता को देश की शक्ति हम पकड़ाना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने सफेद क्रांति की, हमने सफेद क्रांति में मदद की, मगर सफेद क्रांति को आनंद के महिलाओं ने शुरू की। सफेद क्रांति हिंदुस्तान की नारी शक्ति ने की, हरी क्रांति देश के किसानों ने की, किसानों की शक्ति ने हरी क्रांति की, आईटी रेवोल्यूशन देश के युवाओं ने किया, कांग्रेस पार्टी ने मदद की, कांग्रेस पार्टी ने विजन दिया, मगर आईटी रेवोल्यूशन हमारे युवाओं ने किया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने कितने लोगों को रोजगार दिया है? 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है, और हिंदुस्तान के युवाओं की जो शक्ति है, करोड़ युवाओं की जो शक्ति है वो जाया हो गई है। आज जब हिंदुस्तान का युवा जॉब नहीं करता, आज जब हिंदुस्तान का युवा 7-8 घंटे मोबाइल फोन में कभी इंस्टाग्राम देखेगा, कभी फेसबुक देखेगा, ये सरकारी हिंदुस्तान की और उसकी शक्ति जहां हो रही है, एक तरफ किसानों पर आक्रमण, युवाओं पर आक्रमण, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों को देश का पूरा धन दिया गया, ये सरकारी है। भाइयों बहनों सुनिए, कुछ दिन पहले साथ ही साथ इस वक्त बोलते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकतंत्र खतरे में होने की बात भी कही, जहां उन्होंने मणिपुर के हिंसा का भी जिक्र किया,
जहां उन्होंने कहा कि लोकसभा सदन छोड़कर नरेंद्र मोदी लखनऊ अहमदाबाद में घूम रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को लोकसभा और राज्यसभा के लिए घृणा होने के कारण वह राज्यसभा और लोकसभा सदन में पैर भी नहीं रखते हैं। जहां उन्होंने लोकसभा सांसदों के निलंबन की भी बात कही, जहां उन्होंने भाजपा को पाठ पढ़ाने की बात कही, साथ ही साथ वह बोले कि इंडिया गठबंधन को समर्थन करो, मोदी कहीं नहीं दिखेगा, खोटा बोला पन रेटून बोला, ऐसा मराठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। तो वही प्रतिपादन किया कि कांग्रेस के इतिहास से संबंधित दस्तावेज हमें प्रदान करें ताकि हम कांग्रेस का इतिहास संजोग सके। कि पिछले 10 साल में देश में भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक ये देश को तंग कर रहे हैं और ये जो संघ की सरकार है अगर इसको नहीं रोक सके तो देश बर्बादी की ओर जाएगा और लोकतंत्र खत्म हो जाएगी। देश का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलकर बनाया वो भी खत्म हो जाएगा। जिस देश में वोटिंग का अधिकार नहीं था वो वोटिंग का अधिकार संविधान आने के बाद ही हुआ। महिलाओं को, पुरुषों को, युवाओं को और आज जो 18 साल के युवा भी जो वोटिंग कर रहे हैं वो राजीव गांधी की देन है। ऐसे चीजें कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। बाकी के लोग सिर्फ अपना संपत्ति कैसा बढ़ा लेना, संपत्ति को कैसा बचाना और संपत्ति को और 10 गुना करना, ये उनका काम है। लोग ये कहते हैं और बार बार मोदी जी और उनके लोग देश की प्रगति हो गई, हम आने के बाद देश आगे बढ़ रहा है। अरे भाई, क्या आजादी 2014 में ही मिली है? क्या मोदी आने के बाद आपको आजादी मिली है? मोदी आने के बाद ही आपके स्कूल खुल गए हैं? मोदी आने के बाद भी रेल चल रहा है? मोदी आने के बाद भी मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं? अरे मोदी, ये तो सब मिलने के बाद, सब मिलने के बाद वो आज उस गति पे बैठे हैं। मेरे को लिख के भेजे हैं, थोड़ा मैं मराठी में बोलूं। अरे भाई, मैं मराठीत बोलतो है नाही म्हणून नाही, पण माझी विचारधारा जे आहे ते जवाहरलाल नेहरूच्या विचारधारेवर आणि बाबासाहेब आंबेडकरच्या विचारधारेवर महात्मा फुलेच्या विचारधारावर आम्ही चालतो। देगोरी स्थित भारत जोड़ो मैदान पर आयोजित है तैयार हम सभा में वरिष्ठ नेताओं ने जनता को संबोधित किया, जिसके बाद ध्वजारोहण किया गया और जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भाषण संपन्न हुआ। लेकिन इस वक्त चित्र प्रतीत हुआ कि राहुल गांधी के भाषण के बाद उपस्थितों की संख्या कम होते दिखाई दी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ मनीष डेमरी की रिपोर्ट।